डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ KNN, और इसको मैं विद एग्जांपल, विद न्यूमेरिकल एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको कहीं पे भी पूछ लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, इवन इंटरव्यूज में भी आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हो। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आप नहीं करो, अगर कर भी दिया तो डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहले तो जो स्टूडेंट भी मशीन लर्निंग के ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो, तो साथ में कॉपी और पेन जरूर लेके रखना, सारे मेन मेन पॉइंट्स नोट करना, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे मैथमेटिक्स के साथ पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेशंस के साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको डायरेक्ट इसकी यूजेबिलिटी, ठीक है, हम बाद में पाइथन से, आर प्रोग्रामिंग से करेंगे, लेकिन पहले जो बिहाइंड द सीन जो मैथ्स है पहले उसको समझ लो। जब वो चीज समझ में आ गई फिर आप इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जो है आपका क्लासिफिकेशन जो है वो जनरली क्यों यूज करते हैं, फॉर प्रिडिक्टिंग द क्लासेस, और जो आपका रिग्रेशन है वो यूज किया जाता है फॉर प्रिडिक्टिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पे जो KNN एल्गोरिदम है, दैट इज K नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम, तो ये एक तरह से आप कह सकते हो इट इज लाइक अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर द क्लासिफिकेशन। मतलब ये एक तरह से हेलो वर्ड प्रोग्राम की तरह है कि जब भी आपने क्लासिफिकेशन को अच्छे से सीखना है तो स्टार्टिंग में आप KNN से सीखो। इजीएस्ट एल्गोरिदम है, बड़ा सिंपल सा एल्गोरिदम है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसका जो क्रक्स मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो नियरेस्ट नेबर का मतलब पता है क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई डिसीजन लेना है, आपको क्लासिफिकेशन का मतलब तो पता लग ही गया, या तो ये, जैसे कैटेगरी हम कहते हैं ना कि आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं कि एप्पल अगर आपको मैं दे दूं, क्यों, क्या ये फ्रूट है या ये वेजिटेबल है, मतलब आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये किस क्लास में जाएगा, बस वो चीज है। तो यहां पे लेट्स सपोज मुझे ये चेक करना है कि क्या मुझे एक नया चैनल बनाना चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, अपने जो नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या है कि जो मेरे बिल्कुल खास खास बंदे हैं पास में, उनसे मैंने एक तरह से वोटिंग ली। तो उस वोटिंग के बेसिस पे मैं फाइनलाइज कर रहा हूं कि मेरे को ये डिसीजन लेना चाहिए, हाँ मेरे को चैनल बनाना चाहिए या नहीं मेरे को चैनल नहीं बनाना चाहिए। तो ये एक तरह से क्लासिफिकेशन है नियरेस्ट नेबर्स के बेसिस पे। तो यहां पे डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना होता है और उसी के बेसिस पे हम पता करते हैं कि नियरेस्ट कौन है मेरे। एग्जांपल के साथ बताऊंगा, डोंट वरी, आप इजीली सारे पॉइंट्स को समझोगे, बस नोट करते जाना। एग्जांपल ले रहे हैं हम प्रिडिक्टिंग मूवी जेनरे, मतलब मूवी की जेनरे अगर मुझे पता करनी है कि यार मेरी मूवीज हैं, वो मूवीज की अलग अलग जेनरेज होती है, जैसे ड्रामा मूवी हो सकती है, एक्शन मूवी हो सकती है, हॉरर मूवी हो सकती है, तो मुझे प्रिडिक्ट करना है किसी मूवी का कि क्या ये किसके किस जेनरे के अंदर आती है। लेकिन उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, डेटा कलेक्शन। सबसे पहले आपको डेटा को कलेक्शन करना पड़ता है, प्रिडिक्शन तो बाद में होती है, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया। एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे तो रियल वर्ल्ड में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बिग डेटा लेते हैं, लेकिन यहां पर जस्ट आपको समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपको छोटे डेटा पे समझ में आ गया, बड़े पे भी आपको आ ही जाएगा। तो देखो, यहां पे मैंने डेटा क्या लिया, मैंने यहां पे आईएमडीबी रेटिंग ली, ड्यूरेशन ली और जनरली लिया, मैंने कुछ डेटा उठाया और ये डेटा रियल टाइम डेटा ही है, अभी 2023 की मूवीज ही हैं उन्हीं का डेटा उठाया। तो यहां पे आईएमडीबी 8.0 मिशन इंपॉसिबल की ड्यूरेशन है, उसका जनरे एक्शन है। वैसे कई बार जनरे मल्टीपल भी होते हैं, एक्शन भी होता है, कई बार कॉमेडी भी होता है, बट आप ज्यादा डीप में ना घुसो, आप मेन कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। गदर टू लिए 6.2 आईएमडीबी है, एक्चुअल में जो डेटा आईएमडीबी की वेबसाइट पे वहीं से उठाया मैंने, ड्यूरेशन और एक्शन ले लिया। रॉकी एंड रानी 7.2 ये इसकी ड्यूरेशन है, ये कॉमेडी ले ली, और यहां पे ओ माय गॉड 2 इसकी ये आपकी जो है वो आईएमडीबी रेटिंग, ड्यूरेशन और इसका जेनरे कॉमेडी। वैसे मल्टीपल जेनरे, इसका ड्रामा भी है कॉमेडी भी है, बट मैंने इसको कॉमेडी में रखा है जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो ये मेरा एक तरह से पहले डेटा कलेक्शन हो गया, मैं पहले डेटा को कलेक्ट करूंगा, क्लीन करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे आता हूं। तो यहां पे सबसे पहले मैंने ये किया, अब उसके बाद मुझे पता करना है कि प्रिडिक्ट करो जेनरे ऑफ बारबी मूवी, एक मूवी आई है बारबी मूवी जिसकी रेटिंग है 7.4 और ड्यूरेशन है 114 मिनट, तो बताओ वो किस जेनरे के अंदर आएगी बेस्ड ऑन दिस डेटा। वही हो गया ना आपका कि पहले हमने डेटा दिया, लेबल्ड डेटा दिया, क्योंकि ये आपका सुपरवाइज लर्निंग है, तो पहले लेबल्ड डेटा दिया और उसकी बेसिस पे मैंने लेबल्ड डेटा ही दोबारा देना है प्रिडिक्शन के तौर पे, और फिर चेक करना है कि क्या मेरा ये इसके अंदर आता है या इसके अंदर आता है। एक तरह से मतलब क्लासिफिकेशन करनी है ना कि क्या ये एक्शन के अंदर आती है या कॉमेडी के अंदर आती है। तो ये मेरा एक तरह से सिनेरियो बन गया। अब आपा करते हैं जी कैलकुलेशन।
मैथ, उसके बिना तो कहानी होगी नहीं, समझ में आएगी नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंसेस। तो पहला स्टेप क्या है, मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और यहां पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, लिसीडियन डिस्टेंस का मेथड यूज करेंगे। लिसीडियन डिस्टेंस बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पता करना है दो चीजों के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, यहां पे लेट्स सपोज एक पॉइंट है मेरा पी, और यहां पे लेट्स सपोज एक पॉइंट है मेरा क्यू। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज डी, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो देखो इस पी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे एक वैल्यू होगी एक्स वन, और यहां पे एक वैल्यू होगी वाई वन, ऐसे यहां पे एक वैल्यू क्या होगी एक्स टू, और यहां पे एक वैल्यू क्या होगी वाई टू। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो ये आपका वाई वन वाई टू। तो ये देखो यहां पे एक तरह से इस पी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एक एक्स वन वैल्यू, एक वाई वन, और क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स टू है और एक वाई टू। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ल्यूसीडियन, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये मेरा डिस्टेंस आ जाता है जी पी और क्यू के बीच का। तो ये लिसीडियन डिस्टेंस इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अब अपन यही मेथड यहां पे लगाते हैं। तो यहां पे कैसे लगाओगे, हमें पता है कि जो मेरे को दिया है, मेरे को क्या दिया हुआ है कि जो मेरा प्रिडिक्ट करना है बारबी मूवी उसकी आईएमडीबी है 7.4 और ड्यूरेशन 114। तो आईएमडीबी क्या है 7.4 और ड्यूरेशन क्या है 114। अब देखो सबसे पहली मूवी मेरी जो थी मिशन इम्पॉसिबल, उसमें क्या थी आईएमडीबी 8 और ड्यूरेशन ये। तो ये मेरा एक तरह से एक्स वन एक्स टू हो गया, वही एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो बस उसी के हिसाब से उठाते हैं। तो 7.4 माइनस 8 किया, मतलब ये देखो ना, ये मेरा एक तरह से आप कह सकते हो कि ये मेरा लेट्स सपोज एक्स टू है, ये मेरा एक्स वन है, और ये मेरा वाई टू है, ये मेरा वाई वन है। ठीक है, तो यहां पे देखो 8, या आप उल्टा भी कर सकते हो क्योंकि स्क्वेयर करोगे तो आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस में भी आता है तो स्क्वेयर उसको प्लस कर देगा। तो देखो यहां पे 7.4 माइनस 8 का स्क्वेयर प्लस 114 माइनस 108 का स्क्वेयर, और इसका होल रूट मैंने यहां पे स्क्वेयर रूट यहां पे मैंने ले लिया, तो ये वैल्यू मेरी कुछ आ गई। ये मैंने कैलकुलेट कर रखी है, जस्ट टाइम को सेव करने के लिए मैंने फटाफट से करवा रहा हूं। तो ये मैंने वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। उसके बाद डिस्टेंस दूसरी मूवी मैंने उठाई, और दूसरी मूवी के हिसाब से जो भी मेरा आईएमडीबी था, और ये वैल्यू तो मेरी फिक्स ही है बारबी वाली, तो ये माइनस ये किया और ये माइनस ये किया, तो यहां पे मेरे को वैल्यू आ गई। तीसरी मूवी के हिसाब से मैंने 7.2168, और यहां पे मेरा 7.4 माइनस 7.2 का स्क्वायर 114 माइनस 168 का स्क्वायर, लो जी ये वैल्यू आ गई। और चौथी मेरी जो थी आई थिंक ओ माय गॉड थी, तो उसके हिसाब से 7.4 माइनस 8.2 का स्क्वायर 114 माइनस 155 का स्क्वायर हो, यहां पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और ये मेरी वैल्यू आ गई। तो ये ल्यूसीडियन डिस्टेंस जो है वो इसके बेसिस पे चारों अलग अलग मूवीज का कैलकुलेट कर लिया। हो गया, अब क्या करना है, काम हो गया। अब काम क्या करना है, अब लास्ट में सेलेक्ट के नियरेस्ट नेबर। सबसे पहले अगर मैं लेट्स सपोज मैं चेक करूं कि मेरा k इज इक्वल टू 1, मतलब एक ही नेबर में चेक करूं कि सबसे नियरेस्ट बता दो मेरे को कौन है, तो डिस्टेंस देखो सबसे नियरेस्ट मतलब सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है, आउट ऑफ दीज ऑल सबसे कम डिस्टेंस कौन सा, 41। तो 41 जो था वो आपका किसका था, 41 जो था वो आपका लास्ट वाला किसका था, ओह माय गॉड, और इसका जेनरे क्या है, कॉमेडी। तो इससे आप ये पता कर सकते हो, प्रिडिक्ट हो गया कि बारबी मूवी का जो जेनरे है वो क्या है, कॉमेडी, और वाकई में वैसे ये कॉमेडी में ही आता है। तो मैंने रियल टाइम एग्जाम्पल ही लिए, रियल डेटा ही उठाया, कोई फेक डेटा नहीं उठाया। तो लो जी यहां पे k इज इक्वल टू 1 से मेरे को पता लग गया, ये तो बड़ा बेस्ट केस है। लेकिन रियल लाइफ में आप k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 से जनरली नहीं पता लगता, क्योंकि नॉइसी डेटा होता है तो आप जनरली नहीं पता लगा सकते। वैसे तो बेस्ट है k की वैल्यू को कम से कम 5 लो, 4 या 5 लो, लेकिन यहां पे 4 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि अपने डेटा कम है, बट मैं k की वैल्यू को 3 ले लेता हूं। यही तो सबसे मेन चीज है कि आप कैसे इसकी वैल्यू को ट्यून करते हो, k की वैल्यू को ट्यून करना ही अपने आप में मेजर चैलेंज है, बट फिर भी k की वैल्यू 5 जो है वो सूटेबल होती है। बट यहां पे 5 तो ली नहीं जा सकती क्योंकि डेटा ही मेरा कम है, बट एटलीस्ट 3 लो, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि 1 से कई बार एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकलता, इसमें हालांकि निकल गया लेकिन फिर भी कई बार नहीं भी निकलता। तो k इज इक्वल टू 3, 3 वैल्यूज ले लो, 3 मतलब एक तरह से 3 नियरेस्ट नेबर उठा लो। तो 3 नियरेस्ट नेबर कौन से है, एक तो ये निकलेगा, एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। 56 सबसे दूर वाला है तो इसको हटा दो। तो देख लो 46 पहले वाला, तीसरा और चौथा। तो देख लो पहला तीसरा और चौथा किसका है, पहला
तीसरा और चौथा, तो यानी एक्शन कॉमेडी कॉमेडी, तो यानी के की वैल्यू 3 मेरी आ गई उसके हिसाब से एक्शन कॉमेडी कॉमेडी, तो लास्ट में क्या करना आपको मेजोरिटी वोटिंग, तो एक्शन कॉमेडी कॉमेडी मतलब 3 मैंने यहां पे वोट लिए जिसमें से 2 वोट क्या कह रहे हैं कॉमेडी, तो यानी बारबी मूवी जो है वो कॉमेडी खेल रहती है, तो यानी ये बिल्कुल ठीक जहां पे मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ओरिजिनल डेटा पे ही मैंने काम किया है, तो इस तरीके से KNN जो है वो वर्क करता है ल्यूसीडियन डिस्टेंस को यूज करके, वैसे मैनहट्टन डिस्टेंस को भी यूज करता है लेकिन ल्यूसीडियन जो है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो इजी मेथड है फाइंड आउट करने का, और ये एक सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल लिया आपके लिए ताकि आप इजीली आंसर दे सको। रियल वर्ल्ड में डेटा आपका बहुत बड़ा होता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, आउटलायर्स होते हैं, वो धीरे धीरे हम करेंगे, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी KNN कैसे वर्क करता है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स। थैंक यू।